एसबीआई क्लर्क अधिसूचना 2018 जारी चयन प्रक्रिया की जांच करें यहां। भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने आज क्लर्क या जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर स्पोर्ट एंड सल्स की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। भर्ती के लिए 9000 सेकेंड अधिकृतियों को खोलने के साथ एसबीआई ने वर्ष की सबसे बड़ी भर्ती में से एक के साथ आया है। यह देश में बैंकिंग नौकरी उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। एसबीआई क्लर्क भर्ती 2018 ऑनलाइन पंजीकरण 20 जनवरी 2018 सेकेंड शुरू होगा और 10 फरवरी 2018 तक जारी रहेगा। उम्मीदवार एसबीआई लिपिकों के भर्ती विवरण के बारे में जानकारी बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से sbi.co.in पर देख सकते हैं। एसबीआई क्लर्क भर्ती चयन प्रक्रिया। यहां उम्मीदवार एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा का परीक्षण शामिल होगा। चरण प्रारंभिक परीक्षा। एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन, जिसमें 100 अंकों के लिए उद्देश्य टेस्ट होंगे, ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा 1 घंटे की अवधि होगी, जिसमें 3 अनुभाग होंगे। बैंक द्वारा निर्धारित प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, लगभग 10 गुना रिक्तियों की संख्या, उपलब्धता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों की सूची से संक्षिप्त रूप से सूचीबद्ध किए जाएंगे, जो कुल अंक के क्रम के क्रम में क्रमबद्ध हैं। व्यक्तिगत विषय के साथ साथ कुल के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। चरण 2 मुख्य परीक्षा। एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा ऑनलाइन उद्देश्य प्रकार के पेपर में सामान्य वित्तीय जागरूकता, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे क्षेत्रों से सवाल होंगे। प्रत्येक परीक्षा में अलग समय होगा। एसबीआई क्लर्क अंतिम चयन निर्देश चुना गया स्थानीय भाषा योग्यता के अधीन प्रारंभिक परीक्षा चरण 1 में प्राप्त अंकों को चयन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा और अंतिम परीक्षा सूची तैयार करने के लिए केवल मुख्य परीक्षा चरण 1 कोष्ठक में प्राप्त कुल अंक पर विचार किया जाएगा। अस्थायी चयन परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। एसबीआई क्लर्क अंतिम चयन। अंतिम चयन निम्न होगा। आई ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत पोस्ट और सूचना के लिए पात्रता का सत्यापन। द्वितीय निर्दिष्ट चयन स्थानीय भाषा के परीक्षण में योग्यता जहां लागू हो, जैसा कि ऊपर वर्णित है। उम्मीदवारों के चयन के लिए अस्थायी रूप से योग्यता के परिणाम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एसबीआई क्लर्क प्रतीक्षा सूची। 50% तक की रिक्तियों की एक प्रतीक्षा सूची राज्य श्रेणी के अनुसार बनाए रखा जाएगा। अभ्यर्थियों को इस बैंगलों में न केवल शामिल होने और केवल मौजूदा बैच से इस्तीफे के आधार पर त्रैमासिक आधार पर रिलीज किया जाएगा। चयनकर्ताओं के चयन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के अधीन यह प्रतीक्षा सूची अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।